अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, महक की मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहतयाब होंगे, खुश होंगे, एक अच्छा सा वीकेंड गुजार कर आए होंगे, रिलैक्स किया होगा, बहुत ज़्यादा काम जो है वो वीकेंड पे नहीं किया होगा और कहीं अपनी फैमिली के साथ घूमने गए होंगे, कुछ खाने शाने घर में बनाए होंगे, अपने पेरेंट्स को विज़िट किया होगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विज़िट किया होगा। यही मेरी जो है हमेशा उम्मीद होती है कि वीकेंड पे कुछ ना कुछ जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। इस वीकेंड पे मेरी प्यारी सी मामा की बर्थडे थी, तो मैं उनको यहाँ पर भी विश करना चाहूँगी। अल्लाह ताला आपको दुनिया की सारी 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 खुशियाँ दे और अल्लाह ताला हमेशा आपको सेहतयाब रखे और आपका साया मेरे सर पे हमेशा सलामत रहे। यही मेरी दुआ है अपनी अम्मी के लिए और उन सब माओं के लिए जो हमारे साथ हैं इस दुनिया में। तो मेरी तो मामा की बर्थडे थी, तो आपको पता है मेरा वीकेंड कैसे गुजरा होगा और उसके बाद आगे जो है भी क्या होना है, उसकी पूरी अरेंजमेंट्स वगैरह जो है वो साथ साथ करनी होती हैं। और फिर सिर्फ बर्थडे का दिन नहीं होता है मामाज़ का, फिर बर्थडे वीक होता है, बर्थडे मंथ होता है, उसमें उनके नखरे पूरा जो है ना। और मेरी अम्मी का तो बड़े मज़े से जो है फर्स्ट को बर्थडे हो जाती है, तो फिर आपको पूरा महीना जो है वो बर्थडे मंथ जो है वो साथ साथ मनाना पड़ता है। और बड़े मज़े की बात मेरी अम्मी कहती हैं कि जैसे ही खातून जो है वो 40 प्लस हो जाए, उसके बाद उसकी 6 साल बाद एक बर्थडे जो है वो मनाई जानी चाहिए पब्लिकली एटलीस्ट। तो मैंने कहा ठीक है अम्मी, अगर 6 साल में एक दफ़ा बर्थडे मनानी है तो 6 साल में एक दफ़ा गिफ्ट भी दे दूंगी मैं आपको, लेकिन इस बात पे तो ऑब्वियसली नहीं माना जाता, तो मेरा वीक तो इसी तरह का गुजरेगा। अच्छा जी, मेरा आज आप लोगों से एक सवाल है, इसके ऊपर मैं बड़ी रिसर्च भी कर रही थी, बड़ा घरेलू सा सवाल है, तो आई एम श्योर कि इसका कोई घरेलू सा ही आंसर भी होगा। तो आप लोगों ने मुझे कॉल करके इस पर ज़रूर बताना है, जो थोड़ी बहुत मेरी रिसर्च है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। आजकल है चिपचिप वाला मौसम, बरसात का मौसम, बारिशें हो नहीं रही, तो सबसे पहले तो दुआ कीजिए कि खैर की बारिश जो है वो जल्दी से हो जाए, आगे का वीक जो है पूरा, हालांकि बरसात है और फिर भी कोई इम्कान नहीं है बारिश का। तो बारिशों का मौसम है और ह्यूमिडिटी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, चिपचिप बहुत ज़्यादा हो जाती है और हर चीज़ आपको ऐसे लगता है जैसे गीली है, सूख नहीं रही। इस वजह से होता ये है कि जब आप स्पेशली कपड़े भी धोते हैं और कपड़ों को आप सुखाने के लिए डालते हैं तो बहुत ज़्यादा देर लगती है सूखने में, या अगर बादल हो, धूप ना हो, तो वो सूख तो जाते हैं लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी जो स्मेल है वो रच बस जाती है। बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े होंगे लेकिन फिर भी उससे जो है एक गीली गीली सी, एक जो है ना बुरी सी स्मेल जो है वो कपड़ों से आना शुरू हो जाती है। तो इसके बारे में मैं पढ़ रही थी कि किस तरह, क्योंकि मैंने तो इसको देखा कि जो कारपेट्स धुलते हैं या जो थोड़ी हैवी चीज़ें होती हैं, जिस तरह बेडशीट्स धुलती हैं या कम्फर्टर्स जो होते हैं ये धुलते हैं, तो इनको सुखाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो किस तरह जो है इन्हें जल्दी सुखाया जाए, तो उसमें तीन टिप्स जो ईजी टिप्स थी वो एक ये थी कि साबुन और कोई भी इस तरह की चीज़, कोई भी ऐसा सर्फ जिसकी खुशबू नहीं होती है वो इस्तेमाल ना कीजिए, स्पेशली इस सीज़न में थोड़े खुशबूदार सर्फ और थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में सर्फ जो है वो आप इस्तेमाल करें, उससे आप कपड़े धोएं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके पास ड्रायर है, प्लीज़ इन्वेस्ट करें एक ड्रायर में, अगर आपके पास ड्रायर है तो अच्छी तरह कपड़ों को उसमें निचोड़ के उसके बाद सूखने के लिए डालें और खुली जगह पर डालें, और अगर धूप नहीं है तो बाहर से अच्छा है कि आप अंदर तेज़ पंखे में जो है कपड़ों को सुखाएं, तो उससे भी जो है वो स्मेल चली जाती है। फिर इस तरह के कुछ स्प्रेज़ मिलते हैं जो इतने महंगे भी नहीं होते, सस्ते स्प्रेज़ हैं जिनको डिसइंफेक्टेंट्स भी कहते हैं, और उससे ये स्मेल भी जो निकल जाती है, छोटे मोटे जो वायरसेस होते हैं ये चीज़ें भी मर जाती हैं। वो स्प्रेज़ जो है आप स्पेशली अपनी बेडशीट्स के ऊपर या कम्फर्टर्स के ऊपर या अगर आपने कारपेट धोया है उसके ऊपर ज़रूर लगाएं, ताकि उससे वो जो है वो स्मेल ना आए। और तीसरी चीज़ ये आप सिर्फ वो कपड़े जो कि वाइट हैं या जो बहुत लाइट कलर में हैं, आप सिर्फ उनके ऊपर ये चीज़ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपका कोई हैवी फैब्रिक है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो सूख नहीं रहा है और लाइट कलर का है, तो आप थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रे, नमक मिक्स करके पानी के अंदर, लेकिन प्योर नमक, वो सॉल्ट स्प्रे उसके ऊपर करके उसके बाद उसको सुखाते हैं, तो उसमें से स्मेल भी नहीं आएगी और वो जल्दी सूख भी जो है वो जाएगा। मैंने कहा छोटी सी टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपके पास अगर कोई टिप्स हैं कि बरसात के मौसम में जो कपड़े धुलते हैं उनको किस तरह सुखाया जाए ताकि उसके अंदर से स्मेल भी ना आए, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के मैं गेस्ट अनाउंस करती हूँ, चलो हमारे साथ होंगे मियाँ नईम साहब, हम सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर। आपके बहुत से सवाल मेरे तक पहुँच भी चुके हैं, आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। हमारे साथ होंगी फातिमा लोधी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त कैंपेन जो है वो चला रही हैं जिसके अंदर सेल्फ़ इस्टीम के बारे में बात हो रही है। सेल्फ़ इस्टीम में आपकी जो लुक्स होती हैं, आपकी जो कॉन्फिडेंस होता है, आप कैसे दिखते हैं और कैसा अपने आप के बारे में फ़ील करते हैं, ये चीज़ ज़रूर आती है। और एक चीज़ इसके अंदर सबसे ज़्यादा है कि कुछ ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने स्क्रीन्स के ऊपर हर बच्ची के, हर औरत के जहन में ये बात डाल दी है कि अगर आप गोरी हैं, आप पतली हैं, आप लंबी हैं, आप हसीन हैं, एक आपकी बड़ी बड़ी आंखें होनी चाहिए, आपके पता नहीं कि कुछ सोशल स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने बता दिए कि ऐसी होगी अगर खातून
तो वो खूबसूरत है, अगर वो सांवली है, अगर वो मोटी है, अगर उसकी हाइट छोटी है, अगर उसकी नाक मोटी है, तो ये खूबसूरत नहीं है। मतलब हमने ज़ाहरी खूबसूरत के ऊपर, खूबसूरती के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है और ये बातें रच बस गई हैं हमारे जहन में। और हर कोई, चाहे सर्जरीज हो, चाहे इंजेक्शंस हो, चाहे दवाइयाँ हो, ये चीज़ें खा खा के अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो सेल्फ इस्टीम के ऊपर, स्पेशली गोरी रंगत या सांवली रंगत के ऊपर जो है इनकी एक कैंपेन है, जिसके बारे में वही आएंगी, मैं उनसे पूछूंगी तो बात करेंगी, तो इस पर बड़े मज़े से आज एक बात होने वाली है। सोशल एक्टिविस्ट फातिमा लोधी हमारे साथ होंगी, शेफ हिना होंगी हमारे साथ, और आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे बहुत दफ़ा बहुत सारे कॉलर्स ने हमें कहा कि आइसक्रीम या स्वीट डिश बनाना सिखाइए, तो मैंगो आइसक्रीम, क्योंकि मैंगोज़ का सीज़न और इस वक्त इनका मीठे मैंगोज़ जो है वो आ रहे हैं मार्केट में, तो हम आपको मैंगो आइसक्रीम बनाना सिखाएंगे। और हमारे साथ होंगे आप सबके फेवरेट, जब भी वो यहाँ पर आते हैं तो सब खिलखिलाते हैं, सब हंसना शुरू हो जाते हैं, सबकी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी जो है वो आ जाती है। उनकी प्रेजेंस भी बड़े मज़े की है, उनकी बातें भी बड़ी मज़े की हैं, उनके लतीफ़े भी बड़े मज़े के, तो उनसे भी बहुत सारी गपशप लगाएंगे। उज़्मी होंगे हमारे साथ जो कि कमेडियन है, और यहाँ पर आके इनसे बड़े मज़े मज़े की बातें हम करने वाले हैं। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग, हमें ज्वाइन किया यहाँ पे आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर, मेरे फेवरेट एस्ट्रोलॉजर मियां नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। बड़े अरसे बाद हमारी मुलाकात, बहुत दिनों के बाद है ना, मिस कर रहा था। इतना लंबा ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं तो मिस कर ही रही थी आपको, लेकिन जितने हमारे चाहने वाले जो है इस वक्त जो आपको देखते हैं, जो आपकी वजह से कॉल करते हैं, उनको जितने आप याद आए हो। मैं वही महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जो ईमेल हैं, टेलीफोन कॉल हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वही काफी ज्यादा रेफरेंसेस आ रही हैं, तो उससे अंदाजा यही हो रहा है कि लोग पूछ रहे हैं, काफी ज्यादा। बिल्कुल है, सही। अच्छा जी, आपको आपके सितारों का हाल जो है वो हमने बताना है, मुझे लगता है हमें स्टार्ट स्टार्स से ही करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कैंसर साइन स्टार्ट हुआ है, हम जिस पीरियड से गुजर रहे हैं कैंसर साइन है वो। कैंसर में जो फर्स्ट हमारा जो साइन एस्ट्रोलॉजिकल, हम उसमें आ जाते हैं एरीज। एरीज के लिए बड़ी अच्छी चेंजेस का पीरियड है, खासकर जॉब और आपका जो स्टेटस है, जिससे एक जगह पे काम करें दूसरी जगह मूव करना, इन सारी चीज़ों से मुतल्लिक आपका बड़ा तब्दीली का एक पीरियड बना हुआ है। अच्छा, इसमें अपनी मर्जी या के साथ भी, और कभी कभी मजबूरन भी आपको ऑप्शन नहीं मिलती बल्कि ऑर्डर मिलता है जिसको आपको एक्सेप्ट करना होता है। तो सो आपको लिए ये किस तरह का पीरियड है, मशवरा मेरा ये है कि एरीज जिस फेज से गुजर रहा है उससे हम ये कहेंगे एरीज, कैंसर, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा कि इनके पास ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि टाइम नहीं है आर्गू करने का, बल्कि एक्सेप्ट करने का टाइम है। और ये पूरा 23 जुलाई तक आपने इसी तरह कोशिश करनी है कि मान लें, बस अपने आप को ज़्यादा इधर उधर ना करें। अच्छा, ये क्या मतलब, कोई डिसीजन इम्पोज होगा इन पे? हाँ, बाज़ का ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद एक पसंद की सीट है, सडन ऑर्डर आते हैं कि नहीं जी आप इस जगह से दूसरी जगह पे आप चले जाएं, प्रोजेक्ट इन हैंड है, नामुकम्मल है, आपकी उसके ऊपर मेहनत चली आ रही है और बिल्कुल फिनिशिंग टच के करीब जाके आपको हटा दिया जाता है। एक अफिलिएशन अटैचमेंट प्लस एक उसका क्रेडिट होता है, वो सब चीज़ें चली जाती हैं। तो बेसिकली ये इस तरह का सा पीरियड है जिसमें आपको वक्त का नुकसान होता है, माशी नुकसान नहीं होगा, पैसे का नहीं, वक्त का नुकसान होगा, रेपुटेशन का होगा। लेकिन इसमें अगर आप ज़्यादा आर्गू करते हैं, मसाइल पैदा करते हैं, तो वो नुकसान हो सकता है। वो पता चलता है कि बजाय छोटी सी चीज़ के बड़ी मुश्किल हो सकती है, इसलिए एहतियात की बात हम करते हैं। ठीक, टॉरस साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे बड़े मज़े का सा एक साइन है। आपके सातवें घर में आगे जुपिटर की जो प्रेजेंस है वो घर से मुतल्लिक आपको सोचों पे मजबूर करती है कि घर के अफराद, उनके लिए अच्छा सोचना, उनके लिए बेहतर सोचना, उनके लिए माली तौर पे कंफर्ट पैदा करना, खासकर मेल का, फीमेल के लिए ये तमाम रिश्तों का एक दूसरे को कंफर्ट करने का एक टाइम है। ये उसके लिए आपकी सोच है, कंसर्न है कि मैं कैसे अपने घर वालों को, उनको खुश करूँ या उनके लिए कम्फर्ट पैदा करूँ। तो ये एक अच्छा सा पीरियड है, इसमें जब हम सोचते हैं तो तभी सोचते हैं जब खुदा की तरफ से कुछ वक्त भी ऐसा होता है कि कर पाते हैं। तो लिहाजा जो जितना मुमकिन हो सकता है, कुछ आपके जहन में हो कुछ करने के लिए, से माइक्रोवेव भी आपने ख़रीदना है, बड़े दिनों से प्लान हो रहा है कि किचन में आपने कंफर्ट लेनी है वाइफ को, बहन को, अम्मी को, तो वो पैदा कर दीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ें, आसानी पैदा होती है।
जेमिनी साइन में देखते हैं तो थोड़ा सा विविड सा पीरियड है, डिफ़िकल्ट सा थोड़ा सा टाइम है, और यहाँ पे आपके लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगे, उसी के साथ साथ इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब होंगे, इनसिक्योरिटी का फैक्टर पैदा होगा, जहाँ अजीब गरीब से ख्वाब या ऐसी कुछ चीज़ें आपको परेशान करेंगी, सताएंगी, लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ होने जा रहा है, लेकिन इसको हम कहते हैं फॉल्स पीरियड है, ऐसा चैसा कुछ है नहीं। इस कैफियत को अपने ऊपर तारी ना कीजिए, जब कभी कोई ऐसी सा ख्याल आए उसे फौरन झटक के मस्बत सोच सोचिए और आगे निकल जाइएगा। इसको ज़्यादा जो है ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं देना, बिल्कुल, कि ध्यान देने से चीज़ें होने लगती हैं, एनर्जी वो टर्न कर जाती है, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इस पर गाहे बगाहे बात करते हैं कि वो नहीं उसमें रहते। कैंसर साइन में जब हम देखते हैं तो ये अच्छा, कैंसर को थोड़ा सा पहले हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्पेशली मैंने जिस तरह बताया कि मेरी मम्मी की बर्थडे भी थी कल, और बहुत ही वो जो कहते हैं ना सुच कैंसेरियन, ठीक है, वो उस किस्म की है, मतलब सारी आपको खसूसियात उनमें जो है पाई जाती है। तो थोड़ी सी कैंसर पर्सनैलिटी पर अगर हम बात करें, पहले कैंसर पर्सनैलिटी जिसे हम कहते हैं कि ये एक ऐसे से मौसम का एक साइन होता है, 22 जून से 22 और 23 जून की रात से राइज करता है और जुलाई तक ये रहता है साइन। अच्छा, इसको पीक सीज़न हम कहते हैं, अपनी पीक का होता है, गर्मी का मौसम होता है, ना बहार होती है ना खजान होती है, सारे जज्बे जब भी जो भी जितने होंगे पूरी शिद्दत के साथ होंगे, पूरे एक्सट्रीम के साथ होंगे। उसी के साथ साथ इनका रूलिंग प्लैनेट मून होता है, मून के जो लोग होते हैं हाईली सेंसिटिव, मूडी, और उन्हें टैकल करने के लिए आपको ऑर्डर नहीं करना होता बल्कि प्यार से, मोहब्बत से कन्विंस करना होता है। ज़रा सा आपने कोशिश की कि अगर हम उन्हें फोर्स करेंगे तो अगर वो इस पोजीशन में है कि आपके साथ आर्गू नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, तो वो खामोश होकर बिल्कुल कॉर्नर हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि आपसे डिस्कनेक्टेड है। बिल्कुल डिस्कनेक्ट, बड़ा फौरन वो अमावस की रात बन जाते हैं। चांद सही बात, जैसे ना अंधेरे में छुप जाता है, वो होता है। आजकल मैंने अभी बात की थी चार साइन की, आजकल जो कैंसेरियन का वक्त है और ये जो 20 दिसंबर से शुरू हुआ है और 21 तक रहेगा, ये कैंसेरियन के लिए अहम है। अहम इस सेंस में कि यहाँ पे उनके जो सेटन है वो डिस्टर्ब कर रहा है इनको, उसकी वजह से इनके अंदर छोटी छोटी चीज़ों, एक तो कुव्वत बर्दाश्त की कमी होगी, गुस्सा जल्दी आएगा, और प्लस यह कि ऐसे कैंसेरियन फीमेल की अगर आपने बात की है तो उनके हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी पैदा हो रहे हैं। अच्छा, वो जब पैदा होते हैं तो उसकी वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर राइज करेगा, हीट होगी, और साथ ही मिजाज में तब्दीली आएगी, छोटी छोटी बातों में कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, इरीटेट होंगे, फिर इनकी एक्सपेक्टेशन जो अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों, अकारब से, वो पूरी नहीं होगी। अब पूरी होने से मुराद इनके पॉइंट ऑफ व्यू से है, करने वाला कर सकता है लेकिन वो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, बच्चे चीज़ें, तो इसलिए ये तकरीबन 2 साल कैंसेरियन के लिए इस तरह के हैं कि जहाँ इनका थोड़ा सा टाइम डिफ़िकल्ट है इमोशनली, यहाँ इन्हें अपने आप को एडजस्ट करना होगा। अच्छा, जॉब में अगर हैं तो वहाँ इनके सीनियर्स के साथ प्रॉब्लम होंगे, मेल है तो फीमेल के साथ होगा, रिलेशनशिप में हस्बैंड एंड वाइफ, वहाँ पे भी एक छोटे छोटे इख्तलाफात चीज़ें गैप की इंडिकेशन है ये सारी। तो सो कैंसेरियन का ये वक्त, कैंसर और कैप्रिकॉन दो अहम सितारे, ये इनका फैमिली लाइफ का 1.5-1 साल का बड़ा आजमाइश का वक्त है, तो इसलिए इसमें बोलने में, बात करने में, रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। कहते हैं ना, लफ्ज़ मुँह से निकल जाता है वापस नहीं आता, उसके असरात दिनों तक जारी रहते हैं। तो सो ये कैंसेरियन इस वक्त इस कैफियत में चलते हैं। अच्छा, होता कोई क्या, कोई फिल्टर नहीं होता वैसे कैंसेरियंस का, आपस की बात है कि वो एक खुद कुछ भी कह जाएंगे, मम्मा अगर सुन रही है ना सुन ले कोई बात नहीं, खुद कुछ भी कह जाएंगे, और उनका डिफेंस सबसे बड़ा क्या होता है, हम तो सारे बच्चे हैं ना, तो कहते हैं अपने बच्चे को तो बंदा कुछ भी कह देता है, कोई मसला नहीं, इसीलिए कहना कि एहतियात से बात, सुनते कुछ नहीं। मैंने इसे स्ट्रांग है ना, स्ट्रांग हेडेड पर्सनैलिटी। अच्छा, उसकी रीजन है कैंसेरियन, कैंसर साइन को हम कहते हैं कि घर का प्लेनेट, होम लविंग पर्सन। अच्छा, ये एक होते भी हैं लेकिन उसके साथ साथ इन्हें उससे ज्यादा होने का एहसास होता है कि हम हैं इम्पोर्टेंट, कि वो ज़रूरी नहीं है कि जितनी एक्सपेक्टेशन फैमिली की है वो उससे उसके मुताबिक कर भी लें, लेकिन लाशौरी तौर पे उन्हें है कि हमसे ज़्यादा सिंसियर कोई दूसरा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। उसकी वजह से उनको दूसरों से क्रिटिसाइज़ करना, इख्तलाफ करना, डांट डपट करना, ये उनके मिजाज का हिस्सा बन जाता है कि जितनी मैं पेन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, जितनी मैं कंसर्न हूँ, मुझे उतना जवाब नहीं मिलता, रेसिप्रोकेट नहीं किया जाता, ना कोई उसकी वैल्यू करता है, तो टिक 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 शिकवा शिकायत ये रहती है। आपका वीक कैसा रहेगा कैंसेरियन से, हम आपको बताते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम
बैक टू मेक द मॉर्निंग. हमें ज्वाइन किया है यहाँ पर आप सबके फेवरेट, मेरे बहुत फेवरेट. जब भी हमारे सेट पे आते हैं हमारा सेट खिलना शुरू हो जाता है, खिलखिलाना शुरू हो जाता है, हम सब हंसना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनकी बातें भी बड़े मज़े मज़े की होती हैं, उनकी प्रेजेंस ही बहुत मज़े की है. 17 ईयर्स हो गए इनको मीडिया इंडस्ट्री में. हसन अली इनका नाम है लेकिन इस नाम से नहीं इनको जाना जाता है, इनके बहुत ही प्यारे नाम से उज़्मी. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं वैसे ही हूँ, लेकिन आज मेरे साथ बरकत नहीं है. आज बरकत और मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मिसेज मेरे साथ हैं. अच्छा, वो होटल में इंतजार कर रही हैं. अच्छा, तो अभी हमने आगे भी घूमने जाना है. अच्छा, इस्लामाबाद कैसे आना हुआ है? घूमने कैसे आना? हाँ, घूमने. क्या लड़ाई हो गई बरकत से? आपने कहा बस. नहीं नहीं, ये बैंड में आज तोड़ ये तो बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि लड़ाई हो जाए. अच्छा, बहाने करते हैं और तरीके. आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? बहुत ज्यादा लोग चाह रहे हैं कि लड़ाई हो जाए, लड़की हो जाए. पता नहीं, हमारे पाकिस्तान का ये है, हिसाब किताब है. अच्छा, मियां बीवी में लड़ाई डलवाने वाले तो मैंने सुने. वो तो नंदों का काम होता है ना. लेकिन नंदों का काम होता है दोस्तों में. नहीं, जो आप हमारे प्रोड्यूसर हजरात जो होते हैं ना, वो नंदों का काम अंजाम देते हैं. अच्छा, तू आ जा, तू रहने दे यार, तू आ जा, तू रहने दे, वो वाली कहानी होती है. हमने तो ऐसा कुछ नहीं, ये मैं खुद आया हूँ यहाँ. मेरे प्रोड्यूसर ऐसा कुछ नहीं कहते. रेहान तो बहुत ओके आदमी है. वो क्या आदमी, घर में राशन डलवाते हैं, बेहतरीन आदमी. तो अच्छा नहीं, बाकी वैसे घूमने फिरने के लिए प्रोग्राम? घूमने फिरने के लिए. अच्छा, हाँ, क्योंकि कहाँ कहाँ जाना है मैं लोगों को बता दूं ताकि आपका जीना आसान हो जाए. नहीं नहीं, कोई ऐसी कोई कहाँ जाएंगे फिर? कितने बजे कहाँ पाए जाएंगे? नहीं, अभी तो मैं यहाँ से सीधा होटल जाऊंगा. अच्छा, और उसके बाद फिर हम जाएंगे मरी, आजाद कश्मीर, और फिर लाहौर, लाहौर से फिर कराची. अच्छा, ये बता दूं, बहुत गर्मी है. गर्मी कल बहुत हबस हो रहा था यहाँ पर. इस्लामाबाद का सबसे गर्म हबस वाला दिन था. हाँ, कल बहुत हबस था भाई, रात तक. और ऐसे मतलब रात को अब गाड़ी से बाहर उतरो एकदम ऐसे लगता है किसी लेकिन वो खाना खाने वो ऊपर की तरफ गए मोनाल पे, रात को वहाँ अच्छी हवा थी, वो हवा बिल भी ज्यादा. मुजफ्फराबाद कश्मीर इधर गर्मी ही गर्मी, अभी तो पता लगेगा. अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा. सर से आपको बताएंगे कहाँ. साहब से मिलकर बड़ी खुशी होती है. बिल्कुल, हम जब भी आते हैं लाजमी होते हैं. हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ हैं क्योंकि उनको भी हमेशा बड़ी खुशी. ख्याल किया करें थोड़ा, क्योंकि देखिए मैंने पूछना भी तो होता है ना आपके फ्यूचर के बारे में, आप लोगों की जोड़ी कब तक सलामत रहेगी. ये बताए जा रहे हैं वो हो ही नहीं रहा. पिछली दफा जो इन्होंने बताया था हुआ ही नहीं. क्या बताया? पता नहीं क्या बताया, क्या बताया था. देखिए ना, बताया जो देखिए, होने के लिए याद होगा, होने के लिए याद रखना जरूरी है. हाँ नहीं नहीं, वैसे इनकी प्रेडिक्शन अच्छी होती है माशाल्लाह से, 90% 99%. मुझे तो डर लगना शुरू हो गया पता है. मुझे तो इन्होंने आज तक जो कहा है वो हुआ, और मैंने अक्सर लड़के कहा ऐसे नहीं होता. नहीं सर, ऐसे नहीं होगा. चेक बाउंस हुआ क्या? हुआ उसके, और उसके बाद आके मुझे कहते हैं बेटा समझाया तो था. मैं सही कह रहे थे, अगली दफा मैं सुनूंगी, लेकिन ऐसा जरूर जो है वो होता है. बहुत अच्छे आदमी माशाल्लाह. अभी आपकी हम कुंडली खुलवाते हैं ना, फिर आप बताइएगा कैसे. हमारे साथ है सोशल एक्टिविस्ट फातिमा लोधी. बहुत ही इनकी जबरदस्त एक कैंपेन है. शुरू में मैंने बात की थी सेल्फ स्टीम के बारे में. सेल्फ स्टीम क्या है और किस तरह मीडिया इसको डिस्टॉर्ट करता है, इसके बारे में इन्होंने बात की है. स्पेशली एक स्पेसिफिक पार्ट उसका उठा के उस पर बात करेंगे. कैसी आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और आपकी ये जो कैंपेन है इस पे तो ये मीडिया वालों को पकड़े ना आप. आज पकड़ते हैं. अच्छा, ना ये जो मीडिया अच्छा, वाले मीडिया हैं वाले, ये जो देखिए मैं तो अभी जब वो बात होगी ना तो मैं तो इस बारे में कह के कि मैं किस तरह समझाऊं लोगों को कि ये जो है ये वाली बातें इतनी जरूरी नहीं होती. बाद में थोड़ा सा अपने कैंपेन के बारे में बताएं. कैंपेन का नाम है डार्क इज डिवाइन और ये मैंने लॉन्च की थी 2013 में. ठीक. एंड इसका बेसिक मकसद है जो कि मीडिया ने स्टैंडर्ड सेट किए ब्यूटी के, वो बहुत ही अनरियलिस्टिक और बायस्ड है. हर कोई उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता अगर आप देखें एक्चुअली में, तो हम उनको ज्यादातर फॉल नहीं करते. एग्जैक्टली, मेजॉरिटी. सबसे मतलब अजीब ताज्जुब की बात है right, कि right. ज्यादातर लोग उस कैटेगरी में नहीं आते. कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो एग्जैक्टली. सो हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की कि किस तरह से हम उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं रादर देन होमोजेनाइजिंग इट कि हम सबको एक ही कॉम्प्लेक्शन का कर दें. हम क्यों नहीं सेलिब्रेट करते जो खूबसूरती हमारे इर्द गिर्द है. हर किस्म का आपको स्किन टोन मिलता है. आप कराची से केपीके तक चले जाएं, यू विल फाइंड ब्यूटीफुल स्किन टोन्स. तो हर किसी को गोरा करने में हम लगे हुए हैं, तो हम क्यों नहीं उसको सेलिब्रेट करते हैं. तो बेसिक हमारा मकसद यही है कि हम किस तरह से लोगों को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, लड़कियों को स्पेशली, कि यू नो दे हैव टू बी कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन. अच्छा, मैं भी फौरन कहती कि इसमें कसूर सारा मर्द हजरात का है, क्योंकि वो अपने लिए गोरी चिट्टी
यू नो सुलझी हुई गोल रोटी पकाने वाली खातून चाहिए होती है, उनको डॉक्टर भी हो, डिग्री जरूर है, लेकिन फिर उसके बाद रोटी घर में आके गोल बनाए, वो घर रहे. लेकिन इसके अंदर कसूर सिर्फ मर्दों का नहीं है. पहले तो मैं मर्दों से पूछूंगी ना कि आप लोगों के क्राइटेरिया में ये गोरापन होता है? गोरापन? गोरापन क्यों नहीं होता? गोरापन सर आप बताए ना, गोरापन होता है नहीं होता? लड़के को कहते हैं कि गोरी लड़की ही चाहिए. हाँ. जो शादी के लिए जब जाते हैं कि गोरी लड़की चाहिए, भले वो खुद दिन में नजर ना आ रहा हो, वो वाली बात है. हाँ सही बात है, लड़के के अंदर कोई फ्लॉ नहीं नजर आता, लेकिन लड़की जो है वो हमेशा गोरी होनी चाहिए, है पतली होनी चाहिए, है पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लेकिन जॉब छोड़ने के लिए तैयार हो, यही क्राइटेरिया है ना हमारा. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाल्लाह. थोड़ा सा इनके बात से आगे लेके चलूंगा. ये अब का मसला नहीं, ये सदियों का मसला है. बिल्कुल. ये जब से हमारे ऊपर गोरा इन्फ्लुएंस आया ना, ब्रिटिश का इम्पैक्ट उस वक्त आया, क्योंकि उस वक्त दो क्लास थी और वो कहा ही जाता था कि ब्लैक, कहते ही आपको ब्लैक थे, नीग्रो ब्लैक, ये सारा कि ब्लैक आर नॉट अलाउड ना क्लब्स में ना किसी जगह, ये सारा कुछ. तो काला रंग आपके लिए रुकावट थी. वो इस सदियों का अमल होते 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 घरों तक चला गया. वरना ये इससे पहले अगर आप हमारे इस खिते की अगर देखते थे, जैसे हीर जिसे कहा जाता है, तो वो हीर इतनी कोई खूबसूरत खातून नहीं थी. सुना है कि काली खातून, काली खातून थी. नहीं, इतनी खूबसूरत खातून नहीं. आज के ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ना. नहीं, वो हो चुका है. अब आप ट्रेंड को बदल रही हैं. वो हो चुका हुआ है, अब आपने उसके अगेंस्ट चलना है. इसके जब उसका रेफरेंस आएगा तो उसी से आएगा जो एग्जिस्टिंग है. लेकिन हमारे तो पाकिस्तान की बात होती है. और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि वो रिश्ते जो माइंड ढूंढती हैं, उसमें गोरा रंग ज्यादा इंपॉर्टेंट. मैं ये बात वो करने वाली थी. मेरे जैसा लड़का अपनी पसंद से करता है, वहाँ ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है. खवातीन का हुआ ना, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ये कहने वाली थी कि सिर्फ मर्दों का नहीं, सास जब जाती है ना आप अपने लिए बहू ढूंढने के लिए, तो वो उसके अंदर उसके ये सारा क्राइटेरिया होता है. बिल्कुल. मैं एक ट्रेंड चला था ट्विटर के ऊपर, उसके ऊपर आपने ट्वीट करना है कि आपका रिश्ता किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, और उसके ऊपर जिस जिस किस्म की वजूहात थी कि मैं देख कर इतनी फिकल, मतलब कि एक लड़की थी उसके मुंह पे दो तिल थे, ठीक है, तो उसने कहा कि नहीं इसके मुंह पे तिल ज्यादा हैं. एक लड़की थी उसका इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि उसके बेटे से लंबी थी, तो वो कहते थे कि नहीं लड़के से लंबी है तो नहीं. एक क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी है, एक क्योंकि मोटी है, एक क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा है, एक क्योंकि उसका रंग जो है वो सांवला है, एक क्योंकि उसकी आंखें वो नहीं है, कलर्ड नहीं. बेसिकली दे वांट कस्टम मेड. छोटे छोटे आप सोचें कि एक इंसान की अपनी वैल्यू उसकी अपेयरेंस के ऊपर रख दी, उसके अलावा चाहे वो पढ़ी लिखी है, चाहे उसका इखलाक कैसा है, जो उसकी तरबियत है, वो सारी चीजें आपने कहा तो रहने दो. पहले सांचा तो खूबसूरत है. छोटी सी ब्रेक के टाइम में जज्बाती हो रही है, जज्बाती वापस पानी पी के वापस आते. अभी जो आप ये बात कर रहे थे ना, पता है मेरा बचपन से मसला है. मैं जितनी परेशान हूँ उतनी मैं आपको खुश नजर आऊंगी. मेरा भी मतलब है, सेम टू यू. मैं भी जितना परेशान होता हूँ उतना ज्यादा बोलता हूँ, उतना ज्यादा हंसता हूँ उतने, है ना. ये पता नहीं कुछ कुदरती, इसलिए बेगम को भी पता चल गया. वो कहती है अच्छा कोई परेशानी है, कोई मसला, आप ज्यादा बोल रहे हैं, दिमाग खा रहे हैं बहुत ज्यादा. नहीं नहीं, वाकई मेरे साथ ही. मैं कुछ टाइम लेती हूँ जो है ना वो उस चीज को फेस करने में ना. उससे पहले बचपन में मैंने इतनी मारे खाई है, डांटे नहीं, हमारा जमाना तो मार खाने वाला. आजकल के बच्चों को तो आप ऊंचा बोल भी नहीं सकते. सही बात. मैंने इतनी मारे खाई है, आजकल तो बच्चे मारते हैं माँ बाप को. मेरा बेटा मारता है मुझे, ये परेशानी. बाकी हाँ सीरियसली मारता है, आगे रख के पीछे मार, चले बाहर चले. बेटा तो मुझे ही बोल सकता है. हाँ तो मुझे मारने की क्या जरूरत है? ये क्या बात हुई? आप आगे से कुछ नहीं कहते? नहीं नहीं, अभी बहुत छोटा. अच्छा नहीं, मैं मेरा तो यही बहाना होगा. मैंने तो नहीं मारे खाई हैं आपको. आप अपना बता रही थी कि आप बहुत पिटी हैं बच्चों. बहुत बहुत पिटी हूँ मैं वाकई. और वो इसलिए क्योंकि एक तो गलती की होती थी, गलती पे डर इतना लगा होता था कि हंसी निकल रही होती थी. अम्मी को लगता था ढीठ है, तो कहेगी ना एक तो बदतमीजी ऊपर से, मैं डर डर के हंस. क्या होगा मतलब ये? नहीं डर के लगता है हम लोग है डीट. हम लोग जो मॉर्निंग शो कर रहे होते रोजाना, हम लोग डीट करने से कर रहे होते. और क्या कर रहे होते मॉर्निंग शो? नहीं सीरियसली बात है. आप रोजाना सुबह दो घंटे बोलना और सबको हैंडल करना, सर के साथ बैठना, न जाने क्या कह दिया जाए. आप हमारे मॉर्निंग शो को कुछ मत कहें, जिस तरह के मॉर्निंग शो पे आप जाते हैं. आपका मॉर्निंग शो बहुत अच्छा है. यहाँ आके ऐसा लगता है कि बस ऐसा लगता है बस किसी की ताजियत के लिए आए. लगाओ गाने, मैं भी
मैं भी आज नचवा नचवा के तो मॉर्निंग शो में तो लड़ने के बोलना पड़ता है। अबे मेरा पंच भाई सुन ले इनको इनको ईयर पीस लगवाई और कॉन्स्टेंटली जब मेरे प्रोड्यूसर आपके कान में कहेंगे ना उसमें मजा नहीं आ रहा उसमें नहीं नहीं सही कुछ है ही नहीं कुछ आप कर ही नहीं रहे उसमें कुछ भी नहीं कर रहे मतलब हंस ही नहीं रहा ना उठाएं शो उठाएं शो उठाएं फिर आपको समझ आएगी। देखिए हम इज्जत देते हैं बहुत देर से खामोश बैठी है इधर मेरे सारे तोपों का रुख इधर है आपने मेरे शो को कैसे कहा मियां साहब मेरे मेरा साथ देंगे आप मुझे बताएं नाम ऐसे ना मियां साहब ये भी खामोश हो गए नहीं आपके आपके क्या तासुरात है बाकी मॉर्निंग शोज के बारे में बताएं मुझे कुछ अच्छे तासुरात नहीं है ऑनेस्टली बताऊं तो क्योंकि नहीं करें भाई हमारी दिहाड़ियां लगती हैं इनके सामने इनके ऊपर कैमरा रखे और उनको बोलने दें कम कर दिया इन पे कैमरा और वो बोले जी बिकॉज़ अगर मैं अपने कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ तो वहाँ पे कुछ इस तरह से होता है कि ऑडियंस बिठा दी जाती है एंड वहीं से लोगों को टारगेट करके उनको एम्बेरस करके उठाकर और उनके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं ना फॉर एग्जांपल अगर एवरी मॉर्निंग शो इज टॉकिंग अबाउट हाउ टू बिकम फेयर ठीक है किस तरह से आप साइज जीरो हो सकते हो आप किस तरह से जो है अपने बाल बहुत यू नो शाइनी कर सकते हो मतलब हर चीज़ आपकी अपेरेंस से रिलेटेड होती है कोई आपकी सेल्फ ग्रूमिंग पे इस तरह से काम मतलब करें कि आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे बात कर लें मतलब आप इमेजिन करें कि जब आप उन 20 लोगों में से किसी एक को पिन पॉइंट करके उठाते हैं तो उसकी किस तरह से कॉन्फिडेंस शैटर होती होगी बिल्कुल सही बात तो हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए आई थिंक मैं सारे जितने भी मॉर्निंग शो के होस्ट हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एम्पथाइज करना सीखें हर चीज़ को पहले अपने ऊपर रख के देखें फिर आप बात करें ठीक है सो यू विल रियलाइज़ कि दूसरे को कैसा फील होता है नहीं तो उन उस ऑडियंस का क्या वो जो खातून है कि वो कहेंगे अच्छा यहाँ पर जो सबसे काला है वो सामने आ जाए और सब हाथ खड़े कर लेते हैं ये भी एक मसला है ये उनका असल बात ये आपने आपकी है ना कि मतलब ये आपको पहले एपिसोड पे करनी चाहिए मैं हमेशा से कर रही हूँ अच्छी बात है कोई सुनता नहीं वाकई नहीं सर की मतलब कि हर कोई जो है हाथ खड़ा वो जो सबसे मोटा है सामने आ जाए सब भाग भाग के आ रहे अपनी है मुझे मतलब आप अपने आपको अगर आप ऑफेंड हो जाए इसी बात पे कि यार ये कोई बात है पूछने वाली ये कोई सवाल है करने वाला व्हाट डू यू मीन आप दोनों को एक रियलाइजेशन होनी चाहिए कि ये बात है करने वाली या नहीं है बिकॉज दिस इज समथिंग जो आप फिक्स नहीं कर सकते और ना आपको करनी चाहिए बिकॉज इट्स गॉड गिफ्टेड एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर वो कहेंगे ना जो सबसे गोरा है वो आ जाए तो सब शर्माएंगे कि अपनी तारीफ कैसे करें है ना अगर अगर कोई कहेगा ना सबसे मोटा आ जाए सब सामने आएंगे तो अपना तमस्खर बनाने के लिए सब तैयार है ये तो बहादुरी वाला काम है अगर कोई अपना मजाक उड़ा रहा है तो ये तो रमजान ट्रांसमिशन में हम देखते हैं ये मतलब मुझे लगता है कि दिस इज इंसल्टिंग ऑन बोथ माने एक तो आप नॉर्मलाइज कर रहे हो कि आप किसी को भी ये कह दो मेरे ख्याल से इसमें कसूर दोनों का ही है जो घर में लोग देख रहे हैं उन्हें नहीं पता ऑडियंस के बारे में तो वो ये अपने हिसाब से सही कह रही है कि लोगों को शायद ये होता है कि यार ये काला है ये गोरा है तो वो जो घर में बैठे हुए देख रहे हैं अच्छा जो हमने मांगने की आदत डाल दी है मुझे बताएं ये किसका कसूर है मांगने की आदत डाल दी मतलब पहले किसी से कुछ भी मांगना इतना आप शर्मिंदा होते थे कि किसी से मतलब मजबूरी में भी मांगना पड़ जाए तो मांगना एक बड़ी बुरा सा वर्ड था नहीं बचपन से मांगते थे पड़ोस में से वो चीनी लेकर आते थे थोड़ी सी चाय के लिए पत्ती लेकर आते थे मैं इनसे क्या बहस यार इससे क्या बहस लेकिन अब क्या होता है कि अब आपको अगर कहें ना कि हमने आपको गाड़ी दे दी है अच्छा वो वाली मांगने वाली बात करें हाँ नहीं हमें तो ये चाहिए गाड़ी नहीं हमें ये चाहिए आपको मोटर बाइक दे दिए बच्चे की स्कूटर तो दे देना साथ में ये भी दे दे और वो एक बच्चा कोने में बैठा उसके लिए साइकिल दे दे उसके लिए साइकिल तो ये मांगने वाली आदत किसने डाली है ये वाली चीज मतलब इसके लिए भी कौन कसूर नहीं मेरा ख्याल है कि एक जगह पता हो आपको कि एक जगह चीजें मिल रही है तो वहां से मांगना बुरी बात नहीं है मेरा ख्याल ये अपना शो पक्का कर रहे हैं अगला मैं आपको बता रही हूँ ठीक है ये मेरा अपना शो कोई वास्ता नहीं जिस शो की आप बात कर रहे हैं नहीं नहीं मैं सारे शोज की ये मांगना जो है ना ये सिर्फ नहीं मैं अपने शो की भी बात करूंगी हम भी गिफ्ट्स देते थे एक जमाने में ठीक है लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एक चीज है ना कि मुंह फाड़ के आप कुछ भी मांग लो ये मुझे दे दो ये बड़ा एक ये आदत डाल दी है चैनल वालों ने ये जो है ना कि आपको हर चीज पे ये भी होगा वो भी होगा और इसको फिर एक्सप्लोर करना खैर एनीवे हम थोड़ा सितारों पे आगे बढ़ते हैं पहले तो ये बहुत जरूरी सितारा जो है ना इसके बाद कैंसर के बाद आने वाला है उसका सुनना बहुत जरूरी है मुझे पहले हम कैंसर की बात कैंसर का डिटेल तो हमने बात कर ली थी कैंसर की जो करंट पोजीशन थोड़ा सा उस पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपके सफर ट्रैवल इनके जो प्लान बने हुए हैं इनमें थोड़ी सी रुकावट बनती हुई दिखाई देती है या तो डिले होते हैं या कैंसिल होते हुए दिखाई देते हैं
अच्छा ये छुट्टियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, सारा कुछ है, उसकी वजह से थोड़ा सा घर का माहौल डिस्टर्ब होगा। हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो, बाकी फैमिली के लोग तैयार हों, लेकिन आप शायद किसी वजह से ना जा सकें। इसलिए अगर ऐसी कोई पोजीशन है तो सबको एतमाद में ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ट्रैवल साइन और उसमें रुकावट की इंडिकेशन है। लास्ट इसके बाद अगला साइन हमारा जिसमें हम बात करते हैं ल्यू। ल्यू साइन में ये है कि ये बड़ा मज़े का सा एक पीरियड है, डे ड्रीमिंग में ऐसे कहूँगा कि एक ऐसा सा है, ऑप्टिमिस्टिक सा टाइम है, जहाँ पे आपके अंदर बेताशा ख्याल, चीज़ें चल रही हैं, अपने आप को किसी जगह प्लेस कर रहे हैं, और वो ऐसा होगा भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, होता भी है, होना चाहिए, लेकिन एक गैर महसूस तरीके से ये फ्यूचर प्लानिंग की तरफ इशारा कर रहा है कि आप जहाँ मौजूद हैं उससे निकल के किसी और जगह जाने के लिए या उससे बेहतर जम के लिए ये एक पीरियड है। ये सर्विस, जॉब, ट्रैवल, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है, तो ये इसकी प्लानिंग भी करनी चाहिए, इसके बारे में इमेजिन भी करना चाहिए और इसके बारे में सोचना भी चाहिए। नहीं, तो पढ़ाई के लिहाज से कुछ आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त जो है वो आगे बढ़ेगा? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये हर तरह से पढ़ाई भी एक जात का एक बहुत बड़ा आपका कंडीशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जैसे अपने आप को आपने आगे लेके जाना है, सर्विस, जॉब, करियर, चीज़ें, और ये पढ़ाई तो खैर मैं समझ जिन लोगों को इसका चस्का है ना, उन्हें अंदाज़ा है कि इसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, पढ़ने का क्या होता है। आप किसी को ना अपने अंदर फील करते हैं, किसी भी चक्कर में वो, लेकिन वो वाला पढ़ना नहीं, पढ़ने वाली पढ़ने वाली पढ़ने वाली पढ़ने वाली बहुत से लोग दीवारें भी पढ़ते हैं, खड़े पे पढ़ रहे होते हैं, मिला हुआ में देर देर तक पढ़ रहे होते हैं, आप कहीं से होकर आ जाओ वहीं पढ़ रहे होते हैं। हाँ, दीवार पे बारीक बारीक लिखा होता है, पढ़ रहे होते हैं, तो वो भी पढ़ाई में आता है? नहीं, वो पढ़ाई में नहीं आता, वो पागलपन में आता है। लेकिन सर पढ़ाई है, पढ़ाई तो पढ़ाई, नहीं 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 वो पागल, वो कोई खास चीजें भी तो लिखी होती हैं, जुनेद बंगाली और ये वो पढ़ लो तो उसके बारे में नंबर हाँ, वो फिर मजबूरी है, कल अक्सर वो जरूरत ही पढ़ाई है, वही ना, वो एक लाइन काफी है, उसकी खड़ा रहने की जरूरत नहीं होती। तो सो ये ल्यू के लिए इस तरह का वक्त है कि ये गैर महसूस तरीके से डे ड्रीमिंग मैंने वैसे लिखा है, लेकिन डे ड्रीमिंग नहीं है, बेसिकली गैर महसूस तरीके से प्लानिंग का एक वक्त है, जिस तरफ भी आप करेंगे, मकसद कहने का यह है कि उसका नतीजा निकलेगा, आपको उसका फायदा होगा। नेक्स्ट साइन हमारा वर्गो। वर्गो में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे ओपन मूवमेंट है, बड़े दिनों के बाद एक ऐसी कैफियत आई हुई कि जहाँ रिस्ट्रिक्शन थी, प्रॉब्लम थे, फाइनेंशियल चीज़ें, अब आपका जो एक मेजर प्लैनेट रिकवर था वो खुला है। अब आपने अपने यानी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, बिजनेस, करियर, जो भी काम करना चाहते हैं, रुकावटें वो आहिस्ता से दूर होती चली जा रही हैं, तो डिसीजन मेकिंग का वक्त है, ज़्यादा सोचने का वक्त है, जो भी करना है कर गुजरिएगा। लिब्रा साइन में जब हम देखते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा साइन बनता हुआ दिखाई देता है, बड़े दिनों के बाद इसमें। अच्छा, मैंने जब स्टार्ट में बात, हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं ताकि आप सवाल भी पूछ सकें। मॉर्निंग, आपके स्टार से हम छोड़ के गए थे लिब्रा। जी, अच्छा आप लिब्रा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लिब्रा का मैं बताता चलूँ थोड़ा सा कि नए सी चीज़ें इनके लिए डेवलप होती हुई दिखाई देती हैं, जैसे अगर बिजनेस में, सर्विसेज में हैं तो नए क्लाइंट्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, किसी जगह आपने अगर जो अप्लाई किया हुआ है कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो रास्ते में पड़े हुए हैं, उनको फॉलो अप करने की ज़रूरत है, और वो चीज़ें आपकी बनती हुई दिखाई देती है, मतलब उन प्रोसेस में हैं, प्रोसेस में हैं, फॉलो अप नहीं किया, मेच्योर नहीं हुए, तो वो प्रोसेस आप जरा सा फॉलो अप करें, कोई और उठा के ले जाए प्लान। लिब्रा के साथ ऐसा होता है, हम याद है बड़ा सा कहते हैं, हाँ, कि जागते रहिए, होश से रहिए, और हम देखते रह जाते, चीज चली जाती है आपके सामने। तो मैं पिछले एक साल डेढ़ साल से कह रहा था कि प्लीज होश में, लिब्रा का बेहतरीन टाइम है, अपॉर्चुनिटी टाइम है, आपने पिक करना है, सोते नहीं रहना, ये सो ये इस तरह का वक्त है और बड़ा अच्छा है। अब आप शुक्र, आज मैं उठ गई हूँ आने के लिए। अच्छा, बताइए जी, आपका क्या सवाल था? मैं हायर एजुकेशन के हिसाब से पूछना चाहिए। अच्छा, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, 2013-14 में थोड़ा सा रुकावट प्रॉब्लम आया। अच्छा, उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजिकल साइन जो आपके बने हुए, इस साल 22 अगस्त के बाद से हायर एजुकेशन दोबारा रिज्यूम हो रही है। बेसिकली इसका जो साइकिल बन चुका है आपका, अच्छा, जिसका हम वक्तन फक्तन बात भी कर रहे थे, वो 2015 से शुरू हो चुका हुआ है, एक्टिव प्रैक्टिकल लाइफ में आना, काम करना, ये सारा कुछ। लेकिन 9th हाउस होता है जहाँ पे आप फॉरेन एजुकेशन जाना, ट्रेनिंग लेना, पढ़ाना, पढ़ना, ये सारा कुछ, ये 21-22 के बाद ये कर रहा है। अगर ऐसा कोई प्लान है तो उसके लिए अभी से काम कीजिएगा, और नेक्स्ट आपका पूरा पीरियड जो है उसी से रिलेटेड। इंशाल्लाह।
अच्छा नेक्स्ट उसके बाद लिब्रा के बाद आते हैं हम स्कॉर्पियो की तरफ। यहाँ पे स्कॉर्पियो जी बिल्कुल बरकत का है। अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ पुराने कनेक्शंस कॉन्टेक्ट्स जो रुक गए थे, डिसकनेक्ट हो गए थे, किसी वजह से उनमें प्रॉब्लम आ गई थी, तो रिकनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, उनमें आसानियाँ पैदा हो रही हैं। तो लिहाजा एक जहाँ से आपको मायूसी हो चुकी थी, आपने नॉक करना छोड़ दिया था, उसी जगह दोबारा दस्तक दें, जिसे कहते हैं फॉर्चून। अच्छी बात बताई उन्होंने बरकत की, क्योंकि एक उसके साथ का दोस्त जब काफ़ी सारा काम किया था तो उनसे थोड़ा अलहदगी हो गई थी, लेकिन अभी दोबारा जब हम देखते हैं तो यहाँ पे पेंडिंग जॉब्स, घर, ऑफिस सारे ये किसी न किसी वजह से आपने छोड़ रखे थे, इनका पाइल अप हो गया, बहुत ज्यादा जमा हो चुके हैं, इनके लिए आपका बेहतर है कि इस वीक में निपटा लें। आने वाले दिनों में मज़ीद कमिटमेंट्स, मज़ीद आपके लिए कुछ सफ़र, ट्रैवल और काम की शिद्दत दिखाई देती है, जिसकी वजह से ये रह जाएंगे और फिर आपके लिए मुश्किल आती है। सर अपने बारे में तो कुछ बताएं ना, आगे अगला हफ्ता आप यहाँ हैं या नहीं है? मैं अगला हफ्ता नहीं हूँ। नहीं क्या मतलब, अगले हफ्ते आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या प्लानिंग है, ये बताएं ना अपने बारे में। मैं लाहौर हूँ। अच्छा लाहौर में फर्क है, शोर अपने बिजनेस के मूंगफली भूनता हूँ, बहुत बड़ी अच्छी खुशबू, बड़ी अच्छी लगती है यार। सर बहुत अच्छे आदमी है, अच्छी बात है, मना नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, बड़ी मजे की मूंगफली होती है, भुनी मूंगफली, मैं खुद भूनता हूँ। हमारे इलाका जो है ना चकवाल वगैरह, इसके इलाके की देसी मूंगफली, रेवड़ी मूंगफली भी बेसिकली देसी मूंगफली से इस इलाके की कहते हैं, तो यहाँ की मीठी मूंगफली है। अच्छा मीठी होती है, आजकल तो चाइना की हर चीज ऐसे मूंगफली मीठी होती है, लोग भी बड़े अच्छे हैं। हमारे तो फील्ड में लोग भी काफी मीठे हो गए। हाँ बिल्कुल, शुगर कोटेड है, मीठे नहीं। शुगर कोटेड कोई से भी कोटेड है लेकिन है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कैप्रिकेनन। यस, ये वो वक्त है जिनके लिए हम बात कहते हैं ना कि एक सितारा आपके यहाँ मौजूद है जो आपके लिए टीचर प्लैनेट है, जो मुश्किलात, प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है, लेकिन बेसिकली उसका मकसद आपको सिखाना, सुधारना और बेहतर करना है। तो लिहाजा इस उस्ताद सितारे की आपने मुश्किलात को मुश्किल नहीं समझना, बल्कि सीखना है कि कहाँ कहाँ आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम थे, आपके रवैये की वजह से, आपके मामलात ख़राब होने की वजूहात में क्या क्या रीज़न्स थी, उनको आपने देखना है, इसकी वजह से आपके आने वाले सालों में ज़िंदगी बेहतर होगी। एक्वेरियस साइन में जब हम देखते हैं तो चेंज साइकिल आता हुआ दिखाई देता है। क्या साइकिल? सर क्या अभी तो गाड़ी खरीदी, आप साइकिल पे ला रहे हैं मुझे। ओवरऑल करियर चीजों में आप ऐसी कोशिश में है कि जहाँ पे तब्दीली लेके आए, कुछ नया सोचे, कुछ तब्दीली। तो इसका मतलब मुझे पीटीआई को बोल देना पड़ेगा, लग रहा है, देख ले, हिंट आपको दे रहे हैं। तो सो ये आपके लिए अच्छा है कि एक चीज के होते हुए पैरेलल दूसरी चीज जमा करें, ताकि आने वाले दिनों में वो भी राइज करेगी और आप कुछ। अच्छी बात है, एक चीज के होते हुए दूसरी चीज ले आए, सुन लो बेगम, चीज है, ऑब्जेक्टिफाई कर दिया ना खातून को आपने। ये तो, यार आप तो हमेशा जो है ना सुंदर है। अब आपने पूरी बात सुनी, आपने पूरी बात सुनी, आपने सर कहा कि एक चीज के होते हुए, भाई लोग कहते हैं क्या चीज है भाई, एक लोग दूसरी चीज ले आओ ताकि इनकम में इजाफा हो। इनकम? अच्छा इनकम में वो भी आपने उसी तरह, अब देखिए मैं पूरी बात नहीं सुनी, आपने बताया इनकम वाला, तो आपने तो जल्दबाजी में जो आपके जो ख्वाहिश थी ना, उस तरफ चलो। लोग तो रोजी भी सिर्फ बीवी से ही कहते हैं, बीवी लेके आएगी, बिजनेस वूमन ले, तो वो कहेंगे देखिए रोजी मैंने बढ़ानी, मैं दूसरी भी। अरे रोजी को छोड़ने चले, वो तो हमारे मोहल्ले में रहती है। तो सो ये साइकिल है उनका। और लास्ट पाइसिस, पाइसिस साइन में जब हम देखते हैं तो माली मामला तो आपके बड़े मजे के होते हुए दिखाई देते हैं, जो पिछले कुछ दिनों में प्रॉब्लम थे, हो सकता है कोई आपकी कमेटी निकलने वाली हो, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट आपने की थी जिसका बेनिफिट हो, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता जो रियल स्टेट प्रॉपर्टी, इन चीजों के बेचने का अभी वक्त नहीं है, 22 अगस्त के बाद अगर है भी तो होगा नहीं, 22 अगस्त के बाद इसके ऊपर काम कीजिए, इसके बाद काम कीजिए, मतलब सबके लिए अच्छा अच्छा ही। अच्छा मुझे बताया उसमें, जैसे आप यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं, सितारे बताने कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ बात होती नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं पूरी बात बता दें, ठीक है, बड़ी मुश्किल से। तो ये मुझे बताइए कि आप जब परफॉर्म करते हैं अकेले या फिर
आपने कभी अकेले परफॉर्म किया वैसे? बहुत किया शुरू में, किया शुरू खुदा की बस्ती एक ड्रामा आया था हाँ, तो उसमें मैंने नोशे का कैरेक्टर किया था। बिल्कुल नहीं, मतलब ऑन स्टेज, ये तीसरी बार बना था ये स्टेज वगैरह पे, स्टेज पे शुरू में किया है, उसके बाद से जब से बरकत से जोड़ी बनी है माशाल्लाह से 12-13 साल हो गए, तो फिर अकेले नहीं किया, ना बरकत ने किया अकेले, ना मैंने किया। तो जब स्टेज पे जाते हैं तो तब भी इसी तरह ये इम्प्रोवाइज ही हो रहा होता है, कोई स्क्रिप्ट लिखी होती है, कोई पंचलाइन नहीं लिखी हुई जरूरी है, वो उसके बगैर आप नहीं कर सकते। आप जब आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं तो उसका होमवर्क होना जरूरी है, उसके लिए स्क्रिप्ट होती है, उसका स्क्रिप्ट जरूरी है। लेकिन ये है कि वहाँ जाके कुछ जो होता है, कुछ लोगों को देख के, कुछ लोग अच्छा, बहुत से कंपनी वाले कहते हैं कि यार हमारे ये बंदे बैठे हैं, इनको आप नाम लेके ऊपर बुला लीजिएगा और इनके साथ कोई ना, अब ये तो नहीं पता होता कि वो सामने से क्या जवाब देगा, तो वो इम्प्रोवाइजेशन मिजाज क्या है, हाँ क्या मिजाज है क्या नहीं होता, तो वो एक अलग चीज होती है। लेकिन हमारे यहाँ फिल्मबद्दी बोलने वाले जो है वो एक ही शहनशाह है, उमर शरीफ, बस आप उनसे नहीं जीत सकते, कोई भी नहीं जीत सकता उनसे, वो एक ही है जो इम्प्रोवाइजेशन करने वाला बंदा है, जो स्पॉन्टेनियस है, उनसे बड़ा बंदा कोई आज तक है ना आया है ना आएगा। मुझे मोइन अख्तर साहब भी, मोइन अख्तर साहब की भी अपनी बात थी, उनका भी अपना स्टाइल था, लेकिन वो स्क्रिप्ट पे बहुत तवज्जो देते थे, उनका स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता था बिल्कुल, और बड़ा संभल के बोलते थे, और उमर भाई के सामने लोग संभल के बोलते हैं कि यार या बोलते ही नहीं है, बहुत से तो बोलते ही नहीं, मेरा ख्याल नहीं बोलते, और ना, बहुत उनकी खैरियत इसी में, और ना बोले तो ज्यादा बेहतर, मैंने कहा उनकी खैरियत इसी में कि ना बोले, ना बोले तो ज्यादा बेहतर। पता नहीं ऐसा लगता है कि वो जावेद जाफरी ने उनकी एंट्री कराई थी कि कंप्यूटर में जैसे कोई चीजें फीड कर दी जाती है, उमर भाई का ये है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई वाकई कोई फीड हुआ हुआ है, बट जो है ना वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जा रहा है, निकले जा रहा है, तो वो हर किसी में नहीं है, यहाँ पर हर किसी में। अच्छा मुझे पता है, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर जो है मिजाज थोड़े मतलब बहुत मजाहिया या मजाक बर्दाश्त करने वाला मिजाज मिलना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब सेलिब्रिटीज का क्या, मैं आम लोगों में भी कह रही हूँ, तो फिर किस तरह इम्प्रोवाइज, या अगर आपको कोई कह दे कि इन लोग, जैसे मैं अवार्ड शोज में देखती हूँ हमारे, तो खैर बहुत सेंसेशनलाइज भी कर देते हैं कि वो अगर किसी के साथ मजाक भी कर रहे हैं तो उनकी उनका चेहरा ऐसा होता है पड़ोसी मुल्क में कैसा होता है, वो शो कितना अच्छा करते हैं, वो तो हंसे जा रहे होते हैं, तो हंस रहे हर बात पे हंस रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आर्टिस्टों को बना दिया ना, आप देखें ना उन्होंने कपिल को कहां खड़ा कर दिया, ऐसे ही ना हंस हंस के, शाहरुख खान आया हंस के गिर गया, सलमान खान आया हंस के गिर गया, तो इस वजह से ना यहाँ पर हमारे सेलिब्रिटी आते हैं, बहुत से अच्छे भी हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो आते हैं वो कहते हैं ये सवाल मत पूछना, ये मत पूछना, ये मजाक मत उड़ाना, ये मत करना, तो भाई करना क्या, हमारा तो काम है, हम तो यही करेंगे ना, बिल्कुल, लेकिन होता है, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, और सबसे ज्यादा मुश्किल ये होता है कि अगर आपको बंदा कोई कुछ भी ना कहे, मतलब अगर आप उनके साथ मजाक कर रहे हैं और वो बिल्कुल चुप है, वो आपके पंच लाइन पे भी ना हंसे, वो मेरी बेगम वाला हिसाब है कि मैं गुस्सा कर रहा हूं कुछ बोल ही नहीं रही, ये तो बहुत नहीं, वो तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, सामने वाले की, ये तो साइलेंट ट्रीटमेंट, लेकिन ये फिर भी अच्छी बात है, मतलब समझे, लेकिन बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता अगर कोई आगे से बिल्कुल खामोश हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर जब आपको जवाब ही नहीं मिल रहा तो आप कॉमेडी करेंगे क्या, आप कॉमेडी करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है, बहुत, और ये जो सीरियस ड्रामे ढूंढ रहा हूँ, नहीं नहीं प्लीज ये ना, ये जुल्म हमारे साथ ना करें, वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग, हमें ज्वाइन किया शेफ फिना ने, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, खैरियत से। सुन रही थी आप हमारी मजे मजे की बातें उस वक्त से, है ना, खास तौर पे जब उज़्मी साहब आया था तब जरा ज्यादा मजा आया, है ना, आ जाए प्लीज आ जाए, ये इशारा इसी तरफ किया था हमने, मुझे लगा आप पे बुला, है ना जी। अच्छा, हम बना रहे हैं आज क्या, आइसक्रीम, आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, और जो बहुत जल्दी बनेगी, ज्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा आपको, और मैंगो आइसक्रीम बनाएं, और इसी तरीके से चॉकलेट बनाएं, इसी तरीके से आप वनीला बनाएं, इसी तरीके से आप स्ट्रॉबेरी बनाएं, ये फ्रूट चेंज करें, क्या आपको क्या लगता है चूल्हे का क्या काम, चूल्हे का कोई काम नहीं है, ये डमी है, चूल्हे पे आइसक्रीम बनने इसलिए, इसके बगैर वो हमारा टेबल आइसक्रीम होती है, तो यहां पे मिलती है, आपको लगता है सिर्फ वहां मिलती है, यहां सब कुछ मिलता है। जी, हमने सन 2000 में मैरियट में बनाई थी फ्राइड आइसक्रीम, उस वक्त
अच्छा उसमें होता क्या, मैंने सुना है मिलती है, मैंने ये खाई नहीं है। उसमें तो एक चीज समझिए कि आपकी आइसक्रीम ठीक ठाक फ्रोजन होनी चाहिए। अच्छा। और सेकंड फिर जो आप उसके लिए ऊपर जो वो पट्टी लगाते हैं जिसको इजीली अगर आप मांडा पट्टी भी, पट्टी क्या होती है, मांडा पट्टी भी ढूंढ, हाँ जी पट्टी क्या मतलब मांडा जो मांडा पट्टी जिसमें आप स्प्रिंग रोल्स बनाते हैं समोसा उसके साथ ही बन जाती है। अच्छा वो उसके अंदर फ्राई होती है, उसके साथ भी फ्राई होती है प्लस आप नहीं सोच के, और उसके साथ आप दूसरा एक और भी तरीका फ्राई कर सकते हैं, आप क्रम्स लगा के फ्राई कर सकते हैं। बातें मुझे उससे लग रहा है मेरी एक बात सुना, अगर आपको ना मिला ना तो किसी को नहीं पता चल रहा, मिल गया तो सबको मैं बता दूंगी। आप ब्रेक में इतनी अच्छी बातें कर रही थी, मैं तो हमेशा अच्छी बात करती हूं, क्या नहीं हुआ गलत बात, देखिए जरा ये क्यों मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सच बोलती है, आजकल आइसक्रीम बताया, आजकल वैसे भी डिफेमेशन लॉयर्स की जो है ना अच्छी खासी रोजी रोजी मिलेगी, तो मैं शायद नहीं चलूं। अच्छा जी क्या करेंगे चले, इसके लिए बहुत इजी सी चीजें हैं। एक तो आपको टेट्रा पैक की क्रीम चाहिए, ठीक हो गया। अगर आपने एक पैकेट लिया है तो मेरे पास ये दो पैकेट्स हैं, एक पैकेट भी ले सकते हैं आप जितने आपकी फैमिली मेंबर्स उस लिहाज से। सेकेंडली आपको जो जरूरत पड़ेगा वो है कंडेंस मिल्क, ये कंडेंस मिल्क है, जितनी आपने क्रीम ली है चूंकि ये मीठा होता है तो उसके लिहाज से मैंने ये एक ये वाला टिन होता है, मैं आपको इसका ब्रांड नहीं दिखा सकती इसलिए मैंने आपको इसको रैप किया हुआ है, ये एक टिन है तकरीबन 400 ग्राम था 390 ग्राम का, ये आधा यूज हो जाता है इतनी क्रीम के अंदर और बाकी आधा नेक्स्ट टाइम आप यूज कर लें। और इसके अलावा ये जो मैंगो प्यूरी है ये भी आपको इतनी ही चाहिए जितना आपका कंडेंस मिल्क है एक कप। अगर मैंगो अच्छे मीठे हैं तो फिर तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि खट्टे हैं, हाँ जी अगर खट्टे हैं तो थोड़ी सी शुगर डाल के इसको ग्राइंड कर लें। और आपको ये जो है ना रंग ये ऑप्शनल है, ये ना डालें तो बहुत अच्छा है, अगर आपको चाहिए कि वो मार्केट वाला कलर चाहिए तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे मैं कलर्स के अगेंस्ट हूँ क्योंकि ये बच्चों के लिए अच्छे नहीं है, हम भी नहीं डालते। और इसको आपने इतना चलाना है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कि ये फ्लफी हो जाए, इतना चलाना है कि उठ जाए सही फ्लफी हो जाए, उसके बाद हम ये जो कंडेंस मिल्क है ये इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ ही ये जो मैंगो ब्लेंड किए हुए ये ऐड करेंगे। अगर आप मैंगो की नहीं बना रहे चॉकलेट बना रहे हैं तो आपने कोको पाउडर 2 से 3 चम्मच लेने हैं, सिर्फ 2 सिप पानी के साथ या आप मिल्क के साथ उसको आपने मिक्स करना है, उसको घोलने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है। इसके बाद जब आपने इसको किसी भी इस तरह के एयर टाइट बॉक्स में रखना है या आपके पास आइसक्रीम्स के कोई बॉक्स पड़े हों या आपके पास कोई और छोटे से बॉक्स हों तो आप उसमें रख सकते हैं इसके अंदर, और इसको आपने फ्रीज करना है तकरीबन 4 घंटे 6 घंटे और उससे ज्यादा, क्योंकि अभी गर्मी है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ है खराब, तो आपने अगर आप इसको पूरा एक दिन एक रात रखेंगे तो बहुत अच्छी जम जाएगी, वरना ये भी मतलब गर्मी दो दिन तो आराम से आप ये रखें सब इसको। ना मिले तो 20 रुपए की खरीद के लिए आए थे, नहीं आप आप घर में बनाए ऐसे ना क्या घर की बात एक ब्रेक तो लीजिए आप, ये बहुत मजे की है, आपको बाहर वाली भूल जाएंगे आप, ये बनेगी भी अच्छी, जब तक आइसक्रीम बन रही है एक ब्रेक पे चलते हैं, लेकिन ये कोई लंबा ब्रेक नहीं है, इंशाल्लाह जिंदगी में ब्रेक आते हैं, प्रोग्रामों में ब्रेक आते हैं, और जब ब्रेक आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसके बाद कोई और अच्छा ब्रेक होने वाला है या ब्रेकअप होने वाला मिल रहे हैं, छोटी सी ये ज्यादा ज्यादा बातें बता रहे, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं और मिलेंगे जरूर, कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। बर्फ रखनी है ताकि ये क्रीम उठे, अगर नहीं रखेंगे बर्फ तो क्रीम नहीं उठेगी, फिर आपने शिकवा करना है कि हिना ने बताया था। अब ये क्रीम देखें ऐसे है कि ये इतनी बीट की आपने इतनी देर की ये इस तरह आ गई है, ठीक है ये आपके सामने ही है, अभी इसमें कोई कुछ भी नहीं है, कोई जेलेटिन वगैरह नहीं है, ठीक है। अब ये जो कंडेंस मिल्क था ये सारा इसमें चला जाएगा, ठीक हो गया, जितना भी है ये ऑलरेडी मीठा होता है तो आपने इसके अंदर चीनी नहीं डालनी कोई क्रीम में, ये आपके 300 से 400 रुपए में क्रीम
आइसक्रीम बन जाएगी और ढेर सारी बन जाएगी, जो आप मार्केट से इतना सा डब्बा लेते हैं जिसके नीचे भी कर्व होता है और आपको पता नहीं चलता। और ये मैंगो प्यूरी, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, मैंगो प्यूरी हमने कैसे बनाई? ये आम आपने लेने हैं, ग्राइंडर में ग्राइंड करें इसको। मैंने आपको पहले बताया कि तो मीठा आम है तो फिर चीनी डालने की जरूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आम थोड़ा खट्टा है फिर आप चीनी डाल दें। और अगर आप आम का मौसम नहीं, आपने चॉकलेट बनाना है तो इस स्टेज के ऊपर कंडेंस मिल्क डालने के बाद जब क्रीम उठ जाए, कंडेंस मिल्क डाला तो यहाँ पर आपने 2 से 3 चम्मच कोको पाउडर जो आपने दूध में घोल के, थोड़े से 2 से 3 चम्मच दूध में घोल के वो डालना है, या आप चॉकलेट स्प्रेड भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। और उसके बीच में अगर आपको चंक्स चाहिए चॉकलेट की तो फिर आपने चॉकलेट इस्तेमाल करनी है। इसको सिर्फ मैं 1 मिनट बीट करूंगी, ठीक है। और इसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला, फूड कलर, ठीक है। आप भी कोशिश करें कि आप फूड कलर का इस्तेमाल ना करें। जब तक ये बीट हो रहा है, बीट होने के बाद ये आइसक्रीम बन चुकी होगी, हमारा टाइम जो है वो खत्म होता जा रहा है। जाने से पहले मैं चाहूंगी कि एक अगर आप छोटी सी टिप, क्योंकि आप जो है इस तरह के सेमिनार्स भी देते हो जिसमें आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करते हो, तो ऐसी कोई एक टिप जो आप उन सब खवातीन को देना चाहें जो अपने बारे में ऐसा फील करती हैं कि शायद वो ठीक नहीं है, वो खूबसूरत नहीं। मैं जो एक बात कहना चाहूँगी वो ये है कि दूसरों को मौका ना देके वो आपको कुछ कह सकें। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि कोई आपको ये ना बता सके आप में ये खामी है या आप में ये कमी है। जब तक आप दूसरों को मौका देंगे तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट फीलिंग इन्फीरियर, सो जस्ट फील कॉन्फिडेंट द वे यू आर। ठीक, तो फिर आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर है और जब तक आप कॉन्फिडेंट है कोई इंसान आपको कुछ जो है वो नहीं कह सकता। हम ये आपको दिखा देते हैं कि उस स्टेज के बाद जब आप फ्रीज कर लेंगे आइसक्रीम को तो आइसक्रीम कैसी बनेगी। ये आइसक्रीम जो है वो बन चुकी है, इसको हम सर्व कर रहे हैं। और उसमें जो कह रहे थे कि बाहर से आप 10 रुपए की आइसक्रीम लेकर आए, उनको हम ये खिलाएंगे और फिर वो हमें बताएंगे कि कैसी। अच्छा, कैसी आपने सोचना बस सही है इसके बारे में सोचना। मैंने सोचा अच्छा, अब देखने में अच्छी लग रही है, वैसे आम तो मुझे पसंद है। अच्छा, अब ये नर्म इसलिए है क्योंकि मैंने ये काफी देर से सुबह से बाहर रखी हुई है हमारे पास, ठीक है। ट्रैवलिंग में भी काफी टाइम लग गया मुझे यहाँ आने में, लेकिन जब आपने इसको रखना है 1 से 2 दिन रखने हैं और ये बहुत अच्छी सी जम जाएगी। अच्छी सी जम जाएगी, हमारा टाइम बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। थैंक यू सो मच उज़्मी फॉर बीइंग हियर। तो आप जब भी आते हैं बहुत मजा आता है, बड़े मजे मजे की हमारी बातें होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह दोबारा जरूर मिलेंगे, इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे, कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे जी। थैंक यू सो मच नईम साहब फॉर बीइंग हियर। आपको हमेशा मैं लोगों को कहती हूँ कि इतने अच्छे अच्छे मशवरे नईम साहब जो है हमें देते हैं, तो इनको दुआएं जरूर दिया करें हमेशा। ये एक सदका जारिया है, मुझे लगता है किसी को भी अच्छी बात बता देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इतनी अच्छी आपकी जबरदस्त कैंपेन है, गुड लक। बहुत सारी दुआएं हैं मेरी आपके साथ। आई होप के लोगों को जो है ये बात समझ जाए कि खूबसूरती से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक दफा फिर सुंदर मैं कहना चाहूंगा, सुंदर मैं फिर आपके लिए कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसी जगह पे शो करना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये आसान काम नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। इससे पहले मैं फरह को भी ये बात कह चुका था और आपको भी बोलिए, और ये इसलिए नहीं बोला कि मैं शो में आया हूँ, हम मैं और बरकत अक्सर ये बात करते हैं कि इस स्टूडियो में इस जगह पे जहाँ पर आर्टिस्ट नहीं मिलते, जहाँ हल्ला गुल्ला नहीं होता, वहाँ इतना बोलना 2 घंटे और अच्छा बोलना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये आप करती हैं, आपको क्रेडिट जाता है, आपकी पूरी टीम को जाता है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के शोज करती रहें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, दिस मींस अ लॉट। थैंक यू।